वेलकम टू निधिस मेहंदी आर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही सिंपल मेहंदी की डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम नंबर 6 ड्रॉ करेंगे। नंबर 6 में जो सर्कल है वो इतना ही होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट हम यहाँ से नंबर 6 ड्रॉ करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ से नंबर 6 ड्रॉ करेंगे। हो सके तो नंबर 6 जो है वो इक्वल आप ड्रॉ कर सको, उस तरह से आपको साइज़ डिसाइड करना है। अब यहाँ से हम इस तरह से नंबर 6 ड्रॉ करेंगे। तो अलग अलग डायरेक्शन से हमने इस तरह से 4 नंबर 6 ड्रॉ किए। अब यहाँ से अगेन हम नंबर 6 ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली ये दोनों 6 के बीच में से अगेन नेक्स्ट नंबर 6 यहाँ से ड्रॉ करेंगे। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। बहुत ही आसान तरीके से हम एकदम अट्रैक्टिव मेहंदी की डिज़ाइन बना रहे हैं, जो शायद ही आप पहली बार YouTube पे देख रहे हो। तो इस तरह से डायगोनली भी हमने नंबर 6 कंप्लीट कर दिए हैं, एकदम स्लो मोशन में और ओरिजिनल स्पीड से अनएडिटेड वीडियो है ये। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने इस तरह से नंबर 6 करने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। सी कितना आसान है। थोड़े शेप इधर उधर होंगे तो चलेगा, एकदम परफेक्ट ड्रॉ ना हो सके तो इस तरह से हम नंबर 6 ड्रॉ करते जाएंगे और इसको जॉइंट करते जाएंगे नंबर 6 को। पहली बार आप अगर ड्रॉ करोगे तो भी आपका एकदम परफेक्ट होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। चलिए अब इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने बीच में सर्कल बनाया था उसको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि पहले जो हमने बनाया था वो एकदम रफली बनाया था। इसके बाद अब यहाँ से हम शेडिंग अप्लाई करेंगे। आप अगर पेस्टली शेप को फील करना चाहते हो तो भी चलेगा। और शेडिंग अप्लाई करने के बाद क्या करना है, हमें सिंपली रीड्रॉ करना है, ताकि ये जो बाहर की एज हो उसका जो स्टेन है मेहंदी का कलर वो एकदम ब्राइट और डार्क आए। वापस हम ये रीड्रॉ कर देंगे इतना पर्टिकुलर पोर्शन इसी तरह से। नेक्स्ट अब हम बाहर की साइड से इस तरह से टर्मिनेटिंग एलिमेंट ड्रॉ करेंगे। आप कोई भी टर्मिनेटिंग एलिमेंट ड्रॉ कर सकते हो जो आपके लिए इजी रहे। इस तरह से हर एक दो पेस्टली शेप के बीच में या तो फिर हर एक दो नंबर 6 के बीच में इस तरह से हम ये पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो सारे हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हम हर एक ये जो पेस्टली शेप का सर्कल है वो फील कर देंगे। अगर आप बिना फील किए भी रखना चाहते हो तो वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपका कलर जो है वो एकदम डार्क आएगा मेहंदी का स्टेन और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरह से हम इसको फील कर देंगे। यहाँ से हम इस तरह से 3 डॉट्स रखेंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन सारी मैंने यूज़ की है, ताकि बिगिनर्स भी कर सके और जिसको इंट्रिकेट पैटर्न्स आती हो वो भी अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन अप्लाई करके ड्रॉ कर सके। जैसे कि यहाँ पे हमने शेडिंग किया है, तो शेडिंग की जगह पे आप छोटी छोटी डिज़ाइंस भी इसमें फील कर सकते हो। लेकिन ये जो डिज़ाइन है वो 5 मिनट में आपकी बन जाएगी झटपट, और आप अपने हाथों पे दूसरों के हाथों में एकदम आसानी से रख पाओगे। इस तरह की ये मेहंदी की डिज़ाइन है। अब डॉट यूज़ करके हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे।
मेहंदी बहुत ही आसान है अगर आप एकदम स्लोली इसकी प्रैक्टिस करते रहो। तो ये हमारी मेहंदी की डिज़ाइन फिनिश हो गई है। फिंगर्स पे सिंपली हम एक डॉट रखेंगे। डॉट के यहाँ से हम नंबर 6 लिखेंगे। इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से डॉट करेंगे और सिंपली ये टर्मिनेटिंग जो एलिमेंट हमने यूज़ किया था मेहंदी के डिज़ाइन में वही हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम जब अपने हिसाब से मेहंदी के डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें फिंगर्स पे क्या ड्रॉ करें। तो यहाँ पे आप जो ड्रॉ करते हो उसी का कोई भी एक पर्टिकुलर दो तीन एलिमेंट आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके आप सिमिलर काइंड ऑफ मेहंदी की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो अपने हाथ अपने तरीके से। अब दूसरी बात, यहाँ पे हम इस तरह से हम फील कर देंगे और ये पर्टिकुलर सेक्शन फील कर देंगे। तो इसी तरह से आप सारी फिंगर्स पे ये डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो। तो झटपट 5 से 8 मिनट में ये आपकी मेहंदी की डिज़ाइन बन जाएगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको आपका एक्सपीरियंस आपका अनुभव कैसा रहा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कलर आने के बाद बहुत ही बढ़िया रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।